हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरमन एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी वर्कशॉप मोटर एंड पंप में। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। पहले बहुत सारी पिक्चर्स हमारे सामने आई थी कि जो बुलेट 350 है या फिर इलेक्ट्रा 350 है वो डुअल चैनल ABS के साथ और सेल्फ स्टार्ट के साथ आपको जो है वो अवेलेबल कराएगी कंपनी, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो बहुत खुश भी थे और बहुत सारे सैड भी थे कि एक आइकॉनिक जो फीचर था किक स्टार्ट का वो मिसिंग हो जाएगा या वो वाली बात नहीं रहेगी बुलेट में, फिर से दोबारा जो है वो वैसी बात आपको नहीं मिलेगी। बट पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई हैं उनसे वो बातें बिल्कुल झूठी पड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे बुलेट को लॉन्च कर दिया गया है सिंगल चैनल ABS के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रा हो चाहे स्टैंडर्ड 350 हो। अब सिंगल चैनल ABS को लेकर बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं कि पिछली ड्रम ब्रेक के साथ कैसे काम करेगा, सिर्फ आगे ही डिस्क दी है और ड्रम ब्रेक के साथ ABS कैसे काम करेगा, तो ऐसी चीज़ें हैं और कई टर्म्स मतलब कि आगे आ रही हैं, रियर टायर लिफ्टिंग प्रोटेक्शन, पता नहीं कैसे कैसे जो टर्म्स हैं वो सामने आ रही है। तो इसका सीधा साधा सा फंडा जो है वो आपको समझा देता हूँ। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स का मुझे मैसेज आया था कि भैया इसके बारे में कुछ बताइए, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो ही बना देते हैं। पहली बात, जो आप प्लेट देख रहे हैं पिछले ड्रम के ऊपर लगी हुई, ABS कभी भी ड्रम ब्रेक के साथ काम नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वो भी हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हो, मतलब कि चाहे ड्रम ब्रेक ही हो बट हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हो, क्योंकि ABS का मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक के फ्लो को ABS जो है वो कंट्रोल कर सकता है, बट मैकेनिकली जो काम हो रहा है उसको जो है वो ABS नहीं कंट्रोल कर सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक ब्रेक्स के ऊपर ABS को जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर न्यूमेटिक को, जिसका कि ऑपरेशन या तो हाइड्रोलिक हो या न्यूमेटिक हो, उसके ऊपर हम ABS जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो पिछली ड्रम ब्रेक के ऊपर आप प्लेट देख रहे हैं ABS की, वो पिछली ड्रम ब्रेक को भी ABS बना देता है। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अगली ब्रेक, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक के ऊपर ही काम करेगा। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि पिछली प्लेट लगाने का क्या मकसद है वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक सिंपल सा फंडा है ABS के काम करने का। ABS अब काम कैसे करता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एक ECU है सेंटर में, जो कि अगर टू व्हीलर है दोनों व्हील से उसको फीडबैक चाहिए। उसका काम ये है कि दोनों व्हील एक टाइम पे जब खड़े होंगे, इसका मतलब कि गाड़ी जो है वो रुक गई है टोटल, और तब जो है वो ब्रेक टोटल अप्लाई करेगा। अब एक व्हील जो है वो स्किड कर रहा हो, मतलब कि जाम हो गया, दूसरा व्हील चल रहा हो, तो उस केस में ABS जो है वो एक्टिव हो जाता है और व्हील जब तक पिछला रुकेगा नहीं तब तक वो अगली ब्रेक जो है वो छोड़ छोड़ के लगाता रहेगा, ताकि राइडर जो है वो स्किड ना करे। अब ठीक है, आगे उन्होंने ABS दे दिया, बट उन्हें फीडबैक तो चाहिए ना कि पिछला टायर चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके लिए वहाँ पे उन्होंने एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाली प्लेट लगा दी, जो कि ECU को या फिर ABS यूनिट को ये बताएगी कि भैया आपका पिछला टायर जो है वो चल रहा है या रुक गया है, उस हिसाब से अगली ब्रेक जो है वो कंपनसेट करेगी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी अगली ब्रेक जो है वो ABS से कंट्रोल्ड होगी। आप अगली ब्रेक लगाएंगे, मान लीजिए आपका टायर जो है वो स्किड कर गया अगला, तो फिर वो छोड़ छोड़ के लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगला टायर जो है वो जाम हो गया है, बट पीछे जो प्लेट लगी है वो उसे बता रही है कि पिछला टायर अभी चल रहा है, इसका मतलब कि आगे जो हमारा व्हील है वो स्किड कर रहा है, तो वो छोड़ छोड़ के लगाएगी जब तक कि आपका पिछला टायर की प्लेट जो है वो रुक नहीं जाती है। और सेकंड केस में आप देखिए कि आपने अगर ड्रम ब्रेक लगाई और पिछला टायर स्किड करना शुरू हो गया, उस केस में ABS कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो प्लेट सिर्फ और सिर्फ अगले वाले की ABS को फीडबैक देने के लिए वहाँ पे बनी गई है, ना कि पिछली ब्रेक के ABS को एक्चुएट करने के लिए। पिछली ब्रेक आप लगाएंगे, पिछला टायर स्किड भी होगा, सब कुछ होगा, वहाँ पे ABS बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि वो पिछली प्लेट किस लिए उस ड्रम के ऊपर लगाई गई है, और ABS जो है वो कभी भी ड्रम ब्रेक पर तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड ना हो। वैसे तो अभी ABS हमेशा जो है वो डिस्क ब्रेक के ऊपर ही लगाया जाता है। अब कंपनी की पॉलिसीज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि पहले डबल डिस्क आ रहे थे अब सिंगल डिस्क आ रही है, जैसा कंपनी करना चाह रही है वो कर रही है, हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे।
तो जो लोग वेट कर रहे थे कि हाँ ABS आपको मिलेगा डुअल चैनल के साथ, वो उनके तो सपने खैर चूर हो गए हैं। अभी सेल्फ आएगी या नहीं, इलेक्ट्रा में तो खैर सेल्फ आ रही है, 350 में सेल्फ मेरे हिसाब से तो नहीं आई है, बाकी पता नहीं आगे आते आते शायद और आ जाए 350 में, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो पिछली प्लेट ड्रम के ऊपर लगी है उसका काम क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर सीधी टू द पॉइंट जो है ये बात मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप ऐसी नॉलेज से भरी वीडियोज जो है वो देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ, मैं फिर हाजिर हूँगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। कहाँ जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय।